नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पार। लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं और 5वें चरण का प्रचार आज थम जाएगा। 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। मतदान संपन्न होने के साथ ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के भीतर कैद हो जाएगी। यानी देश की लगभग 79% लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 5वें चरण में जिन 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, वहां एक तरफ तो चुनाव प्रचार समापन की ओर है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी मतदान के लिए तैयारियों में जुट गया है। रविवार को पूरे दिन मतदान सामग्री वितरित की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान टीम मतदान केंद्रों पर सही समय पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था जमा ले। उत्तर प्रदेश में जिन 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान है, वहां भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भीषण गर्मी के बीच भी मतदान दलों को रवाना करने के साथ ही सभी तरह की तैयारियां कर चुका है। यूपी में चुनाव की तैयारियों के क्या है हाल और इस भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार किस तरह से परवान चढ़ रहा है, ये भी हम जानेंगे। और इसी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो जमीनी हकीकत भी आपको बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद जो से जुड़ी हुई है, देखिए। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इस चरण में 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है। इस राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिन पर कुल 144 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस चरण के लिए मतदान 20 मई को है। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन प्रदेशों से 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल। अभी तक 4 चरणों में 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी थी, वहां 2019 में कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। वहीं 34.6% वोटिंग के साथ जम्मू कश्मीर इस सूची में सबसे नीचे था। 5वें चरण का मतदान पूरा होते ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। जहां तक यूपी का सवाल है, यूपी में 5वें चरण के इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगाई गई है। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें से 10 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो 5वें चरण का रण, मंत्री हैं चुनावी मैदान में, ये वीवीआईपी चुनावी फेस आप कह सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में हैं और यूपी सरकार के मिनिस्टर दिनेश प्रताप जी भी चुनावी मैदान में हैं। उसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, ये तमाम लोग हैं जो इस रण में चुनावी मैदान में हैं। तो अवध के सियासी समीकरणों को समझेंगे। बुंदेलखंड में भी चुनाव है इस बार, प्रयागराज में भी चुनाव है इस बार, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार जो मुद्दे उठे, क्योंकि हर फेज में हम देख रहे हैं कि चुनावी मुद्दे बदले जा रहे हैं और इस बार पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है
विपक्ष ने, लेकिन उसके बाद भी कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ही टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। बरहाल और भी हम धरातल पर स्थिति समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आज जो जितना भी पूरा दमखम लगाना है राजनीतिक दल लगाएंगे और उसके बाद शाम को पांचवें चरण के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को प्रत्याशियों की किस्मत, मतदाता भाग्य विधाता क्या भाग्य में लिखने जा रहा है ये तो उस दिन हम बताएंगे ही आपको, यानी जो कवरेज होगी उसके माध्यम से ही बताने की कोशिश कि वोटर्स के जहन में क्या है, क्योंकि उस टाइम वोटर्स की भी बात होगी, जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर भी बात होगी, बूथों पर क्या स्थिति है उसको भी लेकर बात होगी। लेकिन आज क्या हालात हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं, कितना दमखम लगाया है राजनीतिक दलों ने, अंतिम दिन भी जानेंगे और चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां। विवेक शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी गोंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी अयाज जामा बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष कौशल अमेठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अयोध्या से गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई है। लखनऊ की तरफ ही लिए चलते हैं, हाई प्रोफाइल हॉट सीट जिस पर होगी देश की नजर, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इस सीट से चुनावी मैदान में। कहा जा रहा है ये बहुत पुरानी सीट है बीजेपी की, बीजेपी का गढ़ है, 25 साल से लगातार इस सीट को बीजेपी जीतती आई है। रविदास मेहरोत्रा अपना यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं, सरवर मलिक बीएसपी से चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या माना जाए अटल जी की ये सीट है और उसके बाद राजनाथ जी लगातार यहां से हम देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में अब हर बार जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल क्या, और इसके अलावा जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की उस पर भी जरा अपनी बात रखिए। विवेक देखिए पारुल, अगर लखनऊ सीट की बात करें तो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट को जीतते आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुन के संसद गए थे, उसके बाद लालजी टंडन ने यहाँ की कमाल संभाली, और 2014 के बाद से देखा जाए तो राजनाथ सिंह लगातार इस सीट से जीतते चले आ रहे हैं। इस बार भी राजनाथ सिंह का जीतना जो है वो तय माना जा रहा है, लगातार राजनाथ सिंह और उनके समर्थक साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पिछले दो दिन से घूम घूम कर अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। अगर बात करें इस पांचवें चरण के चुनाव की, जिसमें 14 कुल सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटों पर कब्जा है, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 14-19 की तरह तो नहीं होने वाला है, ये बात स्पष्ट है। अगर 14 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 72 सीटें मिली थी, उसके बाद 19 में इनको 62 मिली, इस चुनाव में दो जीते 64 हुई, इस बार 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी हैं, 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर कड़ी फाइट इंडिया गठबंधन देते हुए दिखाई दे रहा है। पांचवे चरण में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें वो लगातार फाइट दे रहा है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जहां राजा भैया ने अंदर खाने से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया है, वहां इंडिया गठबंधन का पर्दा जो है अब भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर बात करें लखनऊ से सटी मोहल्लागंज सीट की तो लड़ाई यहां भी है, यहां से सिटिंग एमपी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर है, इस बार यहां भी लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन लखनऊ की जो सीट है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अब चुनावी तैयारियों, चुनाव आयोग की तैयारियों को हम समझे तो किस तरह की तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने की हैं उत्तर प्रदेश, खासतौर पर राजधानी में, क्योंकि तपती धूप है, तपती गर्मी है, पिछले बार हमने देखा था कई जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए थे, महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर बनाए गए थे, और मतदान प्रतिशत बढ़ाना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं फोर्थ फेज में थोड़ी राहत रही लेकिन पांचवें फेज में भी गर्मी, उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था अगर हम थर्ड फोर्थ फेज की बात करें, लेकिन गर्मी अब अपने शबाब पर दिखाई दे रही है, और 20 तारीख को क्या रहेगा मौसम कुछ नहीं जा सकता, तो चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है और दलों की क्या तैयारियां, क्योंकि वोटर निकलेंगे तब वो अपना आकलन कर पाएंगे। देखिए अगर सबसे पहले चुनाव आयोग की बात करें पारुल, तो चुनाव आयोग ने बकायदा मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का जो है अभियान चलाया है, बकायदा मतदाता जागरूकता रथ जो है वो राज्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रुनुआ ने बात करें तो केंद्रीय संचार ब्यूरो से रवाना किया था। ये लखनऊ और मोहल्लागंज की सीटों पे ये जो जागरूकता रथ है वो लोगों को जागरूक करेंगे कि मतदान कितना जरूरी है। इसके अलावा स्टेट आइकॉन और नेशनल आइकॉन के लेवल के जो प्लेयर है उनको लेकर विज्ञापन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार लगा रहा है, जगह जगह पर लोगों को जागरूक जो है करते चला जा रहा है। इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी समझी सौंपी है। कन्नौज से विधायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अति मरुड़ को महानगर लखनऊ के महानगर इलाके की बूथ
या 209 की जिम्मेदारी सौंपी है पन्ना प्रमुख बनाकर, यानी कि जो मंत्री है उनको जो है बड़ा दायित्व इस बार सौंपा गया है लखनऊ के लिए, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने की बात राजनाथ सिंह को लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की बात करें तो वो संगठन और कार्यकर्ताओं को लगातार बूस्टअप कर रहे हैं, और जो कोर कमेटी उन्होंने अपनी बनाई है, जो वार रूम बनाया, वहां से लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली पर खास तौर पर कांग्रेस की नजर है, ऑब्जर्वर वहां पे बाहर से बुलाए गए हैं। अगर बात करें तो भूपेश सिंह और इसके अलावा अशोक गहलोत, इन लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। सचिन पायलट को रायबरेली में ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो इन दो सीटों पर कांग्रेस की खासा नजर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जिन बूथों पे मजबूत है, जिन सीटों पे मजबूत है, वहां अपने संगठन को पूरी तरीके से तैयार किया है। पिछले चरण में हमने देखा था कि अखिलेश यादव किस तरीके से कन्नौज के कई बूथ स्थल पर गए थे, जहां गड़बड़ियों की शिकायत भी आ रही थी। अब वो इंडिया अलायंस के नेताओं को बुलाकर पीसी कर रहे हैं। खैर, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी हमारा सहयोगी जुड़े हुए, उनकी तरफ हम चलते हैं। अमेठी चलते हैं। हाई प्रोफाइल हॉट सीट इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अब तक यहाँ से गांधी परिवार का चेहरा ही लड़ता आया था, लेकिन केएल शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने से, हाँ ये है कि हार जीत पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी इस सीट से मैदान में होते तो बात कुछ और होती, लेकिन आप चूंकि ये सीट भी गंवाना नहीं चाहती कांग्रेस, इसलिए पूरा दमखम यहाँ पर कांग्रेस ने भी लगाया। राहुल गांधी खुद आए, वो कहते हुए नजर आए कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आप ही के बीच हूँ। रायबरेली में भी जाकर वो यही कहते हैं। सोनिया जी कहती हैं मैंने राहुल को आपको सौंप दिया है। किस तरह का चुनावी माहौल, जो मुद्दे चले आ रहे हैं जिनमें हमने देखा कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, कोई और मुख्यमंत्री होगा, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मुद्दे जिन पर इस चरण में बातें हो रही हैं, क्या उस पर नजर चीजें आ रही हैं धरातल पर? जनता इन मामलों को, इन मुद्दों को क्या धरातल पर मान रही है कि ये वोटर्स के जहन में है और इसको लेकर वो वोटर जाएगा? मनीष देखिए बिल्कुल नहीं जी, मनीष जी कहिए। बिल्कुल हम आपको बता दें, हेलो जी मनीष कहिए। हम आपको बता दें यहाँ पे, बिल्कुल हम आपको बता दें यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी जगह पे और यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा दोनों अपने आमने सामने दंड फंड पे लगे हुए हैं। आज उनका आखिरी है कि 18 बजे तक उनका खत्म हो जाएगा जी। स्मृति ईरानी जिनके लिए कहा जा रहा है कि शायद कोई और होता तो बड़ी फाइट हो सकती थी, जीतेंगी ये भी दावे किए जा रहे हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा कंपटीशन उनके सामने नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि केएल शर्मा बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर उन्होंने मेहनत की हुई है। तो केएल शर्मा क्या स्मृति ईरानी को उतनी फाइट दे रहे हैं, क्योंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा नहीं पिछले बार? जी आपको बता दें कि केएल शर्मा जो है यहाँ पे प्रचार लगे हुए हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों सब साथ में लगे हुए हैं, इसमें टाटे की टक्कर है स्मृति ईरानी और शर्मा के बीच। मैं डाउटफुल हूँ आपकी बात पर, कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं वहाँ पे केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच, लेकिन ये अगर इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि 55,000 का खाली जो अंतर था जीत का वो था, और अब राहुल गांधी नहीं है और वहां पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अमेठी में गांधी परिवार ने अपना एंट्री ज्यादा रखी नहीं, यानी आवक जावक रखी नहीं, तो यहाँ क्या इतनी मजबूत फाइट दिख रही है स्मृति ईरानी के सामने? जी फाइट इस तरह की, गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन में कुछ विभाग यादव विभाग जो है कांग्रेस में आ गए हैं, इसलिए लगता है कि यहाँ पे फाइट है तगड़ी। ठीक है, और उसके अलावा चुनाव आयोग की तैयारियां, बूथ कहां कहां बनाए जा रहे हैं और उसको लेकर अभी क्योंकि मतदान दलों के रवाना होने की भी खबर है, तो उस बारे में कुछ पता चल पाया आपको मनीष? जी 1930 बूथ बनाए गए हैं, यहां पे 13 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और 19,86,000 कुछ मतदाता यहाँ पे हैं, और इनकी सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था, जो वोट नहीं दे पाएंगे उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है बुजुर्ग लोगों के लिए। ठीक है, लौट रही हूँ वापस आपके पास। फैजाबाद, अयोध्या हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई हैं, उनकी तरफ लिए चलते हैं। अयोध्या जहाँ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्लीन स्वीप करेगी, बड़ी लीड लेगी ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, क्योंकि बड़ा मुद्दा यहाँ से जुड़ा हुआ है राम मंदिर। हमारी सहयोगी गरिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। गरिमा क्या कह रही है
भगवान राम की नगरी अयोध्या, इस लोकसभा चुनाव में किसकी झोली में भगवान राम आशीर्वाद देने वाले हैं? गरिमा, गरिमा को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए गोंडा लिए चलते हैं आपको, हम गरिमा के पास दोबारा चले जाएंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं मिल रही है। गोंडा देखिए, यहाँ पर भी टफ फाइट है, हमारा सहयोगी गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। भूपेंद्र, क्या बताएंगे गोंडा के बारे में, यहाँ पर किस तरह की फाइट देखी जा रही है? देखिए कैंडिडेट्स की हम बात करें तो आर के पटेल, कृष्णा पटेल, दो पटेल उम्मीदवार, मयंक द्विवेदी जी भी आ गए, यानी द्विवेदी वोटर्स में, ब्राह्मण वोटर्स में सेंध लगाने की इनकी कोशिश होगी। क्या माहौल इस वक्त जमीन पर बांदा में देख रहे हैं, बताइए? आर के पटेल एंटी इनकम्बेंसी परेशान कर रही होगी उन्हें। उपेंद्र आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। देखिए गोंडा की जो सबसे हॉट सीट है वो कैसरगंज और ये गोंडा दोनों मानी जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए चुनाव की तो इसमें दो ही लड़ाई अभी तक देखने को मिल रही है, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच। सपा के जो पार्टी जो प्रत्याशी है वो कीर्तिवर्धन और राजा भैया है, वही सपा के जो प्रत्याशी है श्रेया वर्मा, वो बेनी प्रसाद वर्मा जो मंत्री भी रह चुके हैं पहले, उनकी पोती है। अब ये दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। अब ये अभी कह पाना मुश्किल की बात होगी कि कौन किसका पड़ा कब भारी है, लेकिन अगर अगर लड़ाई की बात की जाए तो दोनों की लड़ाई अभी भी बराबर मानी जा रही है, क्योंकि जो वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है या ठाकुर बाहुल क्षेत्र है या ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, अब देखने वाली बात होगी कि पड़ा किसका जो है भारी होता है। वहीं आगे अगर बात की जाए तो डिंपल यादव का प्रोग्राम भी गोंडा लग चुका है, डिंपल यादव का रोड शो भी चालू होने ही वाला है बिल्कुल, और जिसके तरीके से वो 5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, जिसमें कैसरगंज के प्रत्याशी जो भगत राम मिश्रा है और गोंडा के प्रत्याशी श्रेया वर्मा है, वो दोनों लोग वहां उपस्थित रहेंगे। तो देखते हुए 5 किलोमीटर जो ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, आपने सही कहा कि यहाँ गोंडा में कीर्तिवर्धन जी चुनावी मैदान में हैं, श्रेया वर्मा सफा से चुनावी मैदान में है, सौरभ कुमार मिश्रा यानी ब्राह्मण वोटर्स में काट डालने की बीएसपी की भी पर्याप्त कोशिश होगी ये, और ऐसे में जब हम गोंडा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम वोटर्स के में जो सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है दलों ने, और खासतौर पर मुद्दे जो बात आ रही है, ये हाई प्रोफाइल हॉट सीटों में कई सारी सीटें हैं, लेकिन गोंडा जहां कीर्तिवर्धन जी चुनावी मैदान में हैं, क्या उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है या खिलाफ ज्यादा वोट पड़ सकते हैं? जो मुद्दे हैं, जो विकास है, खासतौर पर जिन अलग वोटर्स पर बात करें भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी, उनको लेकर क्या बीजेपी के लिए क्या माहौल इस वक्त जमीनी स्तर पर बन रहा है? भूपेंद्र, चलिए लगता आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा हम कोशिश करेंगे दोबारा चर्चा कर सके। चलिए वापस हम अयोध्या लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी गरिमा बनी हुई है हमारे साथ। गरिमा क्या बताएंगी, भगवान राम की नगरी, किसे आशीर्वाद देने वाले हैं भगवान राम, किसके लिए माहौल बन रहा है और चुनाव आयोग की क्या तैयारी? जी गरिमा, गरिमा का फ्रेम फ्रीज हुआ है शायद इस वक्त, मुझे लगता है कनेक्शन टूट गया हमारा गरिमा से। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का 5वां चरण है और इस अब हम देख रहे हैं कि 41 सीटें सीधी होंगी जो इन 3 फेसेस में कंप्लीट करनी है। 14 सीटें 5वें चरण में, 6ठे चरण में भी 14 सीटें होंगी, 7वें चरण में 13 सीटें होंगी। विवेक हमारे साथ दोबारा बने हुए हैं। विवेक, सियासी फिजाएं बहुत कुछ कहती हैं कि अवध क्षेत्र जहां पर बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक के साथ जिस तरह से गैर जाटा वोट बैंक, खासकर पासी कोरी समुदाय के बीच जो अपनी पैठ जमाई है ना, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसके चलते अमेठी में भी उनको मजबूती मिली 2019 के बाद से, और अभी भी वहां पर वो जो पिछड़े वर्ग हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, उनमें भी अच्छी पैठ बनाकर बैठी हुई है इस बार, क्योंकि 2019 के ये समीकरण रहे जब उन्होंने अलग अलग समी जातियों को साधते हुए अपनी पैठ मजबूत की। अभी 2024 में हम यूपी के स्पेस में देखें तो जिस तरह से जातियों को साधने की कोशिश, लाभार्थी वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश, बुलडोजर कानून व्यवस्था, तमाम जमीनी मुद्दों का अगर आकलन करते हैं तो क्या कहता है, क्योंकि ये 14 सीटें जिनमें से 13 पिछली बार बीजेपी के पास थी, अब जो 14वीं सीट खासतौर पर रायबरेली जहां पर किला जो ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उस गढ़ को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्या ये मुमकिन होगा इस बार के समीकरणों को समझते हुए?
देखिए अमेठी और रायबरेली में जब से कांग्रेस के नेताओं ने नामांकन किया है वहां की जो हवा है वो बदली बदली नजर आ रही है। अमेठी में अगर बात करें तो स्मृति ईरानी जो सिटिंग एमपी हैं वो शुरू से ही लगातार जनसंपर्क कर रही थी, हर एक गांव में जा रही थी, अपने जनाधार को मजबूत कर रही थी। कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो साउथ की सीटों पर इलेक्शन होने के बाद अमेठी और रायबरेली पर इंतजार जो है वो कराए रखा और एट लास्ट मोमेंट में किशोरी लाल शर्मा को वहां से नामांकन कराया, उसके बाद राहुल गांधी को बनाया गया कि वो रायबरेली आए और यहां से लड़े। सोनिया गांधी ने अपनी सीट जो है उनके लिए छोड़ी। अब बात की जाए अगर अमेठी और रायबरेली की तो इंडिया गठबंधन की पिछले दो दिन से लगातार वहां जनसभा हो रही है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों ने एक साथ जनसभा जो है वो की वहां पे और आज रायबरेली में भी उनकी जनसभा लगी हुई है। तमाम अगर चीजों को देखें तो यहां पे इंडिया गठबंधन बेहतर फाइट देते हुए दिखाई दे रहा है। रायबरेली की सीट की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस कह सकते हैं लीड कर रही है, लेकिन कांटे की टक्कर अमेठी में दिखाई दे रही है किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच। उसके अलावा अगर बाकी क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे आपने बताया कि 14 में से 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार लड़ाई कुछ सीटों पे टफ जो है वो बनती चली आ रही है, क्योंकि जो समीकरण फिट करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से वो फिट उत्तर प्रदेश में अब तक नहीं कर पा रही है। राजा भैया को अपने पाले में वो नहीं ले पाई, राजा भैया अंदरूनी रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को एक दो सीटों पे उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए केसरगंज की सीट पर अगर बिजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलता तो केसरगंज की आसपास की सीटों पे जो जनाधार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ला सकते थे उससे बेहतर नेता वहां पे उस क्षेत्र में कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उनका ध्यान अपने बेटे करण भूषण सिंह को जिताने में उनका ध्यान है। और जो मुद्दा है वहां पे वो साफ तौर पर ये है कि वो बिजभूषण शरण सिंह के प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा है, जो महिला जो पहलवानों के खिलाफ जो इनका मामला था उसको लेकर वो मुद्दा वहां पे गरमाया हुआ है। तो आप भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बिजभूषण शरण सिंह की प्रतिष्ठा वहां दाव पे उनके समर्थकों के लिए लगी हुई है और करण भूषण के लिए वो वोट मांग रहे। तो ये जो चीजें हैं वो इम्पैक्ट करेगी इस चुनाव में, इस स्टेज में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन दो चीजों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को होते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ आया राम गया राम भी एंड वक्त पर भी दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर पर मनोज पांडे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे, ये भी कद रखते हैं, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि सपा के विधानमंडल में मुख्य सचेतक रहे हैं, और जब ये मंच पर पहुंचे स्मृति ईरानी भी मौजूद थी तो उनका अभिवादन जनता का स्वीकार करते हुए वहां पर मिनिस्टर्स मौजूद थे, ये कहा गया कि सनातन धर्म को बचाने के लिए मनोज पांडे शामिल हुए हैं, तो ये कितना कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि एंड मौके पर बड़े नेता का कटकर बीजेपी में शामिल हो जाना, और ये फायदेमंद मुझे लगता है स्मृति ईरानी और बाकी भी लोग वहां पर कैंडिडेट आसपास की सीटों के मौजूद थे। देखिए परु, राज्यसभा चुनाव जब हो रहे थे तो उस समय मनोज पांडे समेत कई समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिशन डेमोलिश अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए, उसमें मनोज पांडे भी थे। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने उन किसी विधायक को निष्कासित नहीं किया अपने पार्टी को, विधायक बने हुए हैं। मनोज पांडे को उम्मीद थी कि शायद अमेठी से या फिर रायबरेली से उनको टिकट मिल सकता है, इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी के समीप होते जा रहे थे, राज्यसभा में उनके लिए वोट किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति कुछ नहीं उनको दिखी तो थोड़े नाराज से हो गए। गृह मंत्री अमित शाह उनके घर गए, उनको मनाया, मनाने के बाद वो अमेठी में स्मृति ईरानी के मंच पे आए हैं, और जो बयान उन्होंने मीडिया में दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो राम का नहीं लॉटरी आपके पास। गरिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं अयोध्या से, गरिमा, लल्लू सिंह, अवधेश प्रसाद और सच्चिदानंद पांडे, अगर मैं थोड़े पिछले आंकड़ों की बात करूं तो 98 समाजवादी पार्टी ने सीट उठाई, 99 फिर बीजेपी आई, 2004 फिर बीजेपी आई, फिर 2009 में कांग्रेस ने यहां से सीट उठाई, यानी अब 2014-2019 में लगातार बीजेपी यहां पर कायम दिखाई दे रही है। और मैंने पहला सवाल यही किया था कि भगवान राम का आशीर्वाद अयोध्या में किसको मिलने जा रहा है। गरिमा क्या कहेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद भगवान राम की नगरी से किसे मिलने जा रहा है? जी, वैसे तो अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आज अयोध्या में चुनाव का प्रचार प्रसार करने का अंतिम दिन है और आज के दिन ही
भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में रोड शो करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंचे हैं, उनका भी रुदौली में जनसभा आयोजित है, वहां पे भी वो जनसभा आयोजित कर रहे हैं, वहां पे भी वो लोगों से बातचीत करेंगे। ऐसे में 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर में किसने किसको जनता का आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गरिमा। तो 5वें चरण का रण उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर महासंग्राम, वो भी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट्स यहां पर आती हैं। स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में, राहुल गांधी चुनावी मैदान में, राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में, इन तीनों सीटों पर नजर। उसके अलावा कुलभूषण चरण सिंह के बेटे की सीट पर भी, यानी कैसरगंज में भी सभी की नजर बनी हुई है। तो कई ऐसे नाम हैं जिस पर लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है 14 सीटों का, इसमें 13 पहले से ही बीजेपी के पास थी, तो खोने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास, और एक विपक्ष के पास थी, वो भी रायबरेली कांग्रेस के पास थी, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें पाना है। लेकिन बीजेपी को अपना पहला परफॉर्मेंस, पिछला परफॉर्मेंस दोबारा से दोहराना है, और जब मिशन 80 की वो बातें करते हैं तो कोई भी सीट छूट ना जाए इसके लिए भी काम करते हैं। लेकिन लड़ाई उतनी आसान नहीं है सर, लड़ाई बहुत टफ है, और जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही हो तो हर समीकरण पर फिट बैठना होता है, और उत्तर प्रदेश से ही निकलता है दिल्ली की सियासत का, दिल्ली की सत्ता का रास्ता। तो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ने दक्षिण में पहले जोर लगाया और फिर 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिखाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश में आने के बाद, 5वें चरण तक आने के बाद विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खड़गे साहब भी आए, केजरीवाल जी भी आए, तो ये जो मेहनत है ये कितने रंग लाएगी, ये ईवीएम मशीन में जब कैद होगा सो होगा, लेकिन 4 जून को नतीजे बतलाएंगे कि किसके दावों में और किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।